एनेस्थेटिस्ट इंटेंसिविस्ट पेन स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर हर्ष मेडिकल सेंटर लखनऊ। आज हम कोरोना पेशेंट के होम आइसोलेशन की बात करेंगे। यूपी गवर्नमेंट ने होम आइसोलेशन अलाउ कर दिया है, हम इससे कैसे तैयारी करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। हमारा मरीज जब पॉजिटिव आएगा कोरोना से, उसके बाद हम पूरे परिवार का आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। सीएमओ टीम से डॉक्टर्स आएंगे, वो देखेंगे कि क्या प्रॉपर तैयारी है जिससे कि हम मरीज को होम आइसोलेट कर सकते हैं। पेशेंट को फीवर तो नहीं है, पेशेंट को अन एसोसिएटेड सिम्टम तो नहीं है, सांस तो नहीं फूट रही है। अगर मरीज एसिम्टोमेटिक है, कोई परेशानी नहीं है, सेपरेट घर है, एटलीस्ट एक सेपरेट बाथरूम स्पेशली पेशेंट के लिए है, तो होम आइसोलेशन वो परमिट कर देंगे। अब हमें तैयारी क्या करनी है? हमें ये तैयारी करनी है कि पेशेंट अगर किसी भी तरह के रोग का है, एडिशनल अगर डायबिटिक है, हाइपरटेंशन या कुछ है, तो हमें लगभग 15 से 20 दिन का दवा ला करके पहले से रखनी है, क्योंकि लगभग 17 दिन का होम आइसोलेशन है, तब तक वो डॉक्टर साहब के टच में रहे। सारी दवाइयाँ ला के रखनी पड़ेंगी। 3M मास्क, जो 3-लेयर मास्क होता है, वो पेशेंट्स के लिए भी और एक अटेंडेंट जो उनकी सेवा में रहेगा उनके लिए भी, अप्रॉक्सीमेटली 100 to 200 सर्जिकल मास्क जो 3M होता है ला करके हमें रखना पड़ेगा। स्टीम इनहेलर, जिससे कि हम पेशेंट को 2 से 3 बार पर डे स्टीम दे सकें, वो अवेलेबल होना चाहिए। हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर होना चाहिए, हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, हमारे पास अगर अवेलेबल हो ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमें 3 से 4 बार प्रॉपर उसके रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए कि इस समय कितनी पल्स सेचुरेशन कितना है पेशेंट को। अगर 95 से कम है तो हमें तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। पल्स रेट 100 से ज़्यादा है, सेचुरेशन 95 से कम है और पेशेंट को सांस फूल रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, बहुत खांसी आ रही है, तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना। फिर आता है उनके रूम का, जहां हमारा मरीज रहेगा वो रूम प्रॉपरली एयरेटेड होना चाहिए, सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं होना चाहिए। वहां पे जो बाथरूम हो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए दिया जाना चाहिए, जो मैंने दोबारा बोला, दूसरा कोई घर का उसको यूज नहीं करे। फिर हमें ये देखना है कि पेशेंट्स को प्रॉपर समय से खाना और दवाइयाँ जो हमें सीएमओ टीम बता जाएंगी, वो दवा हम उनको प्रॉपर उनके एडवाइस के अनुसार देते रहेंगे। विटामिन सी रिच फूड देना है हमें उन्हें, बीटा कैरोटीन होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट दाल होना चाहिए, प्रॉपर दूध ले रहे हैं लो फैट दूध लेना है, चीनी नमक कम से कम लेना है। फिर हमें ये ध्यान देना है कि मरीज कम से कम 8 घंटे की नींद ले, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करना है पर योग प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है। किसी भी परिस्थिति में हमें आसपास के हॉस्पिटल से भी संपर्क रखना चाहिए, जैसे कि अगर कोई परेशानी होती है हम तुरंत वहाँ इन्फॉर्म कर सकते हैं। धन्यवाद।